नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आ गया हूं जिसकी मांग आप काफ़ी वक्त से कर रहे थे। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वो हिस्सा जिसको अभी तक हम लोग कहते आ रहे हैं कि PPP मॉडल पर ही वो काम हो सकता है, आखिर उस हिस्से के ऊपर एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वो हिस्सा है सोननगर, जो कि बिहार में स्थित है। वहाँ DFC का जो लास्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है, जिसको हम न्यू सोननगर के नाम से जानते हैं, वहाँ से सीधा वेस्ट बंगाल के डानकुनी तक का जो 538 किलोमीटर का सेक्शन होने जा रहा है, जिसके बारे में बात करी जा रही थी कि कोई प्राइवेट प्लेयर यहाँ पैसा लगाएगा और गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा, वो अब संभव नहीं हो पा रहा है। तो उसके ऊपर एक बड़ी खुशखबरी आ गई है दोस्तों। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि 1337 किलोमीटर का काम ट्रैक बिछाने का कंप्लीट हो चुका है, लुधियाना से लेकर के सीधा बिहार के सोननगर तक, उसमें आगे जो डानकुनी तक का वेस्ट बंगाल में ट्रैक बनना था, जब तक ये ट्रैक नहीं बना होगा दोस्तों, तब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कहलाएगा 1875 किलोमीटर का। और यहाँ पर जो फ्रेट का मूवमेंट हो रहा है, उसका एक एम यही था कि वेस्ट बंगाल के जो पोर्ट हैं वहां से और आसपास के एरिया में जो कोल है, स्टील है, कंटेनर्स हैं, वेस्ट बंगाल के पोर्ट से जो आते हैं फूड ग्रेन्स है, सीमेंट है, इस तरीके के माल को ढोना है। लेकिन जब वहां तक ट्रैक है ही नहीं DFC के, तो हम लोग उसका जो मेन उद्देश्य है वो तो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। तो जब तक ये 538 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा नहीं होगा तो ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो यही सोचते हुए अब तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से भी खबर आ चुकी है। 16 अगस्त को ये बात तय हुई है कि अब वो किसी भी प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए नहीं देखेंगे। उन्होंने पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया है किसी भी प्राइवेट प्लेयर को सर्च करना और उनके साथ मीटिंग करना, क्योंकि DFCCIL की पहले सीरीज ऑफ मीटिंग्स बहुत सारी हो चुकी हैं प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि यहां पर कोई पैसा लगाने को तैयार हो। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है इस 538 किलोमीटर के पहले फेज को, जो कि 375 किलोमीटर का होगा। ये फेज होगा सोननगर से लेकर के न्यू अंदल तक वेस्ट बंगाल के। इस 375 किलोमीटर के सेक्शन को पहले भी फर्स्ट फेज की तरह ही देखा जा रहा था और अभी भी फर्स्ट फेज ही है ये। सेकंड फेज होगा न्यू अंदल से लेकर के डानकुनी तक 163 किलोमीटर का, 163 किलोमीटर का ये सेकंड फेज जो है। इस पर आखिर क्यों फैसला नहीं लिया गया है, ये आपको मेरे वीडियो के आखिर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ कि कहां पर क्या क्या होने वाला है। देखिए, 538 किलोमीटर के सेक्शन में 375 किलोमीटर का जो फर्स्ट फेज है, इसके अंदर अभी 12,000 करोड़ रुपए का पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि हमारी तरफ से होने वाला है। तो अब वो ट्रैक भी अपने अकॉर्डिंग ही बिछाने वाले हैं, किसी भी प्राइवेट प्लेयर की जरूरत नहीं है। और इसमें ये बात अब जो सामने आई है, वो लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को अब EPC मेथड या मॉडल के द्वारा करने वाले हैं रेडी। इस मॉडल का मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। इसके अंतर्गत जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा ये प्रोजेक्ट, उसको ही पूरा रिस्क लेना होगा डिजाइन करने का, इंजीनियरिंग का, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट का जो भी इस प्रोजेक्ट में जरूरी है, और कंस्ट्रक्शन का। बस गवर्नमेंट पूरी फंडिंग कर देगी उस कॉन्ट्रैक्टर को और उनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही सारा काम पूरा करके देना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा का सारा प्रोजेक्ट चलने वाला है। लेकिन अब आपको मेन बात बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा क्या है। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने बड़ा आंसर देते हुए कहा कि वो लोग सोच रहे हैं इस प्रोजेक्ट में क्वाड्रपलिंग अप्लाई की जाए, मतलब 4 लाइनों को बिछाया जाए सोननगर से लेके आंदल तक। पहले से ही इंडियन रेलवे की जो 2 एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है सोननगर से आंदल के बीच में, उसमें इंक्रीमेंट कर दिया जाए ट्रैक्स का, मल्टी ट्रैकिंग कर दी जाए, मतलब क्वाड्रपलिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 2 ट्रैक्स और बिछाए जाएंगे और यहाँ पर अब शेयरिंग होने वाली है इंडियन रेलवे के ट्रैक्स की और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक्स की। यहाँ पर पैसा भी बचेगा, ज्यादा लैंड एक्विजिशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इंडियन रेलवे के लैंड के यूज से ही हम लोग DFC की लैंड बिछा पाएंगे। तो यहाँ पर इन 4 लाइनों के बिछने से अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि अब DFC और इंडियन रेलवे 18 ऐसे पॉइंट पड़ने वाले हैं 375 किलोमीटर के सेक्शन में, जहां पर DFC की लाइंस इंडियन रेलवे की लाइंस को मैच करेंगी, मतलब ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगी एक जगह पर। इन 18 पॉइंट्स में जब भी कोई मालगाड़ी जा रही होगी DFC के ट्रैक से, वो इंडियन रेलवे के ट्रैक में ऑटोमेटिकली ही ट्रांसफर हो जाएगी, 18 पॉइंट जो ऐसे होंगे इस पूरे सेक्शन में। तो किसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को अब पूरा कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ इस क्वाड्रपलिंग का मतलब क्या होने वाला है और क्यों आंदल और दानकुनी के बीच में कोई ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखिए सोननगर से स्टार्ट करते हैं आगे, गया, गोमो और धनबाद होते हुए हम बर्धमान के सीतारामपुर जंक्शन जब पहुंचते हैं तो दोस्तों यहां तक लगभग 335 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है उसमें सिर्फ दो लाइनें ही मौजूद हैं अभी इंडियन रेलवे की, इनको अब चार में तब्दील कर दिया जाएगा। और इसके बाद सीतारामपुर जंक्शन से जब मैं आगे जाता हूं आसनसोल होते हुए आंदल जंक्शन तक तो वहां पर 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वहां पर पहले से ही चार इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है इंडियन रेलवे की। और फिर हम जब आंदल जंक्शन से आगे पढ़ते हैं बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के शक्तिगढ़ तक 92 किलोमीटर का डिस्टेंस आंदल से शक्तिगढ़ का पड़ता है, यहां पर भी चार इलेक्ट्रिक लाइनें पहले से मौजूद हैं। जब हम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के शक्तिगढ़ से आगे हुगली डिस्ट्रिक्ट के चंदनपुर तक पहुंचते हैं तो 43 किलोमीटर का डिस्टेंस तय होता है और यहां पर तीन इलेक्ट्रिक लाइनें मौजूद हैं। तो यहां पर रेलवे को एक लाइन बिछाने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है जहां तक मुझे लगता है। फिर चंदनपुर से आगे हम दानकुनी तक 25 किलोमीटर का जब डिस्टेंस तय करते हैं तो दोस्तों यहां पर चार लाइनें पहले से ही मौजूद हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा 538 किलोमीटर का सेक्शन चार इलेक्ट्रिक लाइंस में तब्दील हो जाएगा इंडियन रेलवे की, जिसमें शेयरिंग हो जाएगी डीएफसी की लाइंस की और इंडियन रेलवे की लाइंस की, जहां तक अभी तक मैंने जितने भी आर्टिकल पढ़े उनको देख करके मुझे यही लगता है। तो मल्टी ट्रैकिंग का मतलब यही है कि इंडियन रेलवे की ट्रैक्स का जो कि एग्जिस्टिंग है उनको चार लाइंस में बदल दिया जाए जिससे कि डीएफसी की लाइंस भी इसी में मर्ज हो जाएं और कई जगहों पर आपस में इंटीग्रेट भी हुए। तो कुछ इस तरीके से एक रास्ता निकाला गया है। आप लोगों को क्या लगता है, इंडियन रेलवेज ने ये सही फैसला लिया है? मुझे लगता है काफी सही फैसला है, कहीं ना कहीं हम लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा भी कर लेंगे और वेस्ट बंगाल की पोर्ट से कनेक्टिविटी भी इस पूरे के पूरे सेक्शन की हो जाएगी जिससे कि पंजाब सीधी तरीके से जुड़ जाएगा वेस्ट बंगाल से और हमारी मालगाड़ियां सीधा वेस्ट बंगाल से सीधा पंजाब तक जा पाएंगी बिना किसी भी रुकावट के और 1875 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे सामने होगा। और ये काम अब बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सेंटर से पूरी तरीके से अब इजाजत मिल चुकी है। तो आप लोग अगर वेस्ट बंगाल में रहते हैं या सोनगर के आसपास रहते हैं तो इन सभी खबरों का क्या असर हुआ है, फिजिकल प्रोग्रेस क्या शुरू हो चुकी है, क्या लैंड पर काम होना शुरू हो चुका है, इंडियन रेलवे के ट्रैक्स के बगल में ही आप लोगों को ऐसा काम होता दिख जाएगा आगे आने वाले टाइम में, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी है। अगर कुछ फोटोज हैं, क्लिप्स हैं तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमेशा ही मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, इस प्रोजेक्ट पर जो भी आगे काम होता रहेगा मेरे चैनल पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय।